माननीय इंदिरा जी, हमारे जसपुर विधानसभा के प्रवासी प्रभारी और आपके हरियाणा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री माननीय योगेंद्र जी शर्मा, हमारे महिला मोर्चे की जिला के अध्यक्ष माननीय अमिता जी, डॉक्टर दिलीप शर्मा जी, हमारे संभाग के मीडिया के इंचार्ज माननीय प्रकाश जी, जिले के प्रभारी आपके विष्णु जी, सभी मीडिया कर्मी, आप सबको आज हमारे क्षेत्र जिले के मीडिया केंद्र के शुभारंभ की आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय पार्टी ने तय किया है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में मीडिया सेंटर प्रारंभ किया जाए, उसी के तहत आज हमारे सीकर जिले में मीडिया सेंटर प्रारंभ किया है। मीडिया सेंटर के प्रारंभ होने से मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी सुविधा होगी और जनता तक हमारी किसी भी पार्टी की गतिविधियाँ उसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और चुनाव के समय बहुत सी गतिविधियाँ होती है, तो सब गतिविधियाँ एक साथ सबको मालूम नहीं पड़ सकती, इसलिए मीडिया सेंटर की जो है वो आप सबको जानकारी देंगे। हमारे जिले में 8 विधानसभाओं में कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिए हैं और सब ने अपना अपना काम चालू कर दिया। अभी मैं लखनऊ विधानसभा के कार्यक्रम से आया हूँ, अभी कोई पंचायत में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, मैंने इतने साल हो गए देखते हुए समझता हूँ पूरी पंचायत में इससे 20% की इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, जितना बहुत बड़ा और लोगों को बहुत खुशी कि अपना प्रचार काम चालू कर दिया। राजस्थान में भारतीय पार्टी की आंधी चल रही है और राजस्थान की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि राजस्थान में भारतीय पार्टी सरकार बने। राजस्थान में इस तरह का माहौल है क्योंकि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस सरकार ने और 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जितने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा तो उन्होंने किसानों से किया था। कांग्रेस के सबसे नेता राहुल गांधी ने जयपुर के आम सभा में किसान भाइयों से वादा किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के कि राजस्थान में कांग्रेस से सरकार बनते सबसे पहले 10 दिन में किसानों का ऋण माफ हो जाएगा। राजस्थान में किसानों का ऋण माफ 5 साल में नहीं हुआ और एक उपलब्धि जरूर है और जो राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस की सरकार है उसने किसान भाई के साथ किया कि आज किसान भाइयों के हाथ में 19,000 कोटि के नोटिस पकड़ा दिए, उनमें से कईयों की तो जमीन कूड़ों को भी और पेट काट के पढ़ाते हैं और जब वो बच्चे परीक्षा देते हैं और परीक्षा देते ही पेपर लीक का समाचार मिलता है तो वो माता पिता पर गुजरती है। मैं समझता हूँ इसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चा परीक्षा देता है और उसका पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे के सपने चकना शुरू होते हैं और उनके माता पिता को जो आघात लगता है उसके हम कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही आज राजस्थान में जितने भी परीक्षा हुई उन परीक्षाओं में सबसे पहली परीक्षा आपके राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की है। हमारे आज हमारे ज़िले में मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ है, मैं सभी मीडिया कर्मियों को अपने ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस मीडिया सेंटर के बनने से मैं समझता हूँ आप सभी मीडिया कर्मियों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे ज़िले की भी जो जितने भी चुनावी सभाएं होगी, चुनावी कार्यक्रम होंगे, उस वो जनता तक पहुँचेंगे, इसमें मैं सभी मीडिया कर्मियों से हमारी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग चाहता हूँ। भाजपा के जो बागी है और जो विरोध में है वो डैमेज कंट्रोल रखने के लिए आप क्या करेंगे? राजस्थान मैं सीकर जिले में कह सकता हूँ कि कोई भी बागी नहीं रहेगा, वो हमारे हैं और हमारे रहेंगे। क्या उसके लिए आपने कोई पदाधिकारी नियुक्त किए हैं? वो आपके डैमेज कंट्रोल के लिए हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सम्मान्य इंदिरा जी और हमारे पूर्व विधायक लखनऊ से केटी जी बाबू, ये दोनों हैं, ये दोनों प्रयत्न करें और हम लोग भी प्रयत्न करें, हमारे जो बड़े नेता हैं सभी प्रयत्न करें, प्रदेश वाले प्रयत्न करें। ऐसा है कि कोई भी टिकट का दावेदार होता है और जब उसको टिकट नहीं मिलती है तो एक दफ़ा तकलीफ होती है, कई लोग जोश में भर के फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उन लोगों से बातचीत चल रही है, हमारे को पूरा विश्वास है जितने भी जिनको आप बाकी का रूप देते हैं, हम तो बाकी नहीं कहते, वो थोड़ा सा
रास्ते से भटके हुए कह सकते हैं, बाकी नहीं है, वो बिल्कुल मान जाएंगे। और 9 तारीख को आपको ये खबर मिलेगी कि सीकर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई बाकी नहीं। राजस्थान में जो गहलोत सरकार योजनाएं जो गारंटियां दे रही है उसका क्या तोड़ है आपके पास में, क्या चुनावी मुद्दे? ऐसा है, राजस्थान की जनता पिछले 5 साल तक गहलोत सरकार को देख चुकी है और उनकी जो गारंटी थी राजस्थान की, आपकी जयपुर की आम सभा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने ये वादा किया था कि राजस्थान के किसानों को ऋण माफ़ कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऋण के 10 दिन में किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, 10 दिन छोड़ के आप क्या 5 साल में ऋण माफ़ी नहीं हुई और राजस्थान के किसानों को करीब 19,000 किसानों को आपके कुर्की के नोटिस मिल सके हैं और सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं बीजेपी इसमें आगे बढ़ेगी? नहीं, बीजेपी ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसमें 6,000 रुपये दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल में जो हमारा कृषि बजट है वो 6 गुना कर दिया है और 1.33 लाख करोड़ रुपये वो प्रधानमंत्री फसल बीमा में दिया है। इस तरह उन्होंने किसानों का सम्मान किया है और आने वाले समय में मैं एक बात आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं रखता। नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बात की उसमें बिल्कुल खड़े होते हैं और पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनकी बात पर विश्वास करती है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ के स्थानीय जो एजेंडा क्या रहेगा राजस्थान में? राजस्थान में एजेंडा रहेगा प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है सबका साफ सबका विश्वास, तो हम सबका विकास करने में विश्वास करते हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हर व्यक्ति का विकास होगा, पूरी जनता का विकास होगा, हर गांव का विकास होगा, हर कस्बे का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।